भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात नहीं सुधर रहे। श्रीलंका के कलमुनाई शहर में सेना और संदिग्ध आतंकियों के बीच हुई भीषण गोलीबारी के बाद 15 लोग मारे गए हैं। श्रीलंका के अधिकारियों ने बताया कि करीब 70 संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों की तलाश की जा रही है और इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर आगाह किया है कि अगर जरूरी ना हो तो वे श्रीलंका की यात्रा ना करें। आपको बता दें कि श्रीलंका में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले में करीब 300 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। श्रीलंका में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी की ताजा घटना से साफ है कि श्रीलंका में आतंकियों का खात्मा अब तक नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका की सेना ने जब एक इस्लामिक आतंकी संगठन से जुड़े कुछ आतंकियों के घर पर छापेमारी की तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और कुछ आत्मघाती हमलावरों ने बाद में खुद को घर के अंदर ही उड़ा लिया। बता दें कि श्रीलंका की सेना ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि आतंकियों के साथ इस गोलीबारी में 6 बच्चे भी मारे गए, साथ ही 3 महिला 3 पुरुष का शव घर से बरामद किया गया और 3 और संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों के शव घर के बाहर से बरामद किए गए। इसके साथ ही श्रीलंकाई सेना ने आसपास के क्षेत्रों में भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान चला रही है और श्रीलंका में इन्हीं हालात के मद्देनजर भारत ने अपने नागरिकों को श्रीलंका न जाने की सलाह दी है। भारत सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अगर श्रीलंका जाना जरूरी है तो ऐसे लोगों को भारतीय उच्चायोग की मदद लेनी चाहिए। कोलंबो में स्थित भारत के उच्चायोग के वेबसाइट पर भारत सरकार ने श्रीलंका जाने वाले लोगों के लिए हेल्पलाइन जारी किया है। श्रीलंका में खतरनाक हालात के मद्देनजर ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी श्रीलंका में हुए आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका के लिए यात्रा चेतावनी का स्तर बढ़ा दिया है और अपने नागरिकों से श्रीलंका की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में आत्मघाती हमले में लगभग 300 लोग मारे गए थे जिसमें 10 भारतीय भी शामिल हैं। इन धमाकों में लगभग 500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्री पाला सिरिसेना ने श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया है। हमले के बाद पुलिस ने अपनी जांच के दौरान लगभग 60 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके तार इन धमाकों से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।